गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, दिस इज़ मोनिका सोनी और सोशल साइंस टीचर फ्रॉम ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल रामनगर. चिल्ड्रन, येस्टरडे आई वॉज कम्प्लीटेड द टॉपिक ऑफ दैट वर्क ऑफ द रिवर. आई थिंक यू हैव डन एंड दैट इज़ द वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से कि योर व्यूज आर कमिंग वेरी लेस. ऑल द चिल्ड्रन शुड वॉच द वीडियोज फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट एंड यू हैव टू ज्वाइन द क्लास रूम. दोज हैव नॉट ज्वाइन येट, दे शुड ज्वाइन द क्लास रूम. ओके, इसमें बिल्कुल डिले नहीं करना है आपको. यू शुड ज्वाइन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इंटरनेट या वट एवर द प्रॉब्लम, तो यू शुड कॉल मी. ओके, बट यू शुड ज्वाइन. आई विल सी योर नेम्स, देन आई विल कॉल यू इफ़ यू विल नॉट ज्वाइन. ओके, तो दैट नाउ वी कम ऑन अवर टॉपिक. आई हैव कम्प्लीटेड द वर्क ऑफ द रिवर, बट टूडे वी विल स्टार्ट द वर्क ऑफ द सी वेव. सी, यू टू ऑल नो अबाउट दैट. सी को हम क्या बोलते हैं? समुद्र, सागर, है ना. तो दैट किस तरह से काम करती है? सी वेव्स, जो हमारी समुद्र में वेव्स उठती हैं, लहरें उठती हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ दीज वेव्स? तो द इरोजन एंड डिपोजिशन यहां पर भी होता है. जब सी वेव्स आती हैं समुद्र के किनारे पर, जब समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं, तो इरोजन और डिपोजिशन वहां पर भी होता है. कुछ चीजें वो समुद्र से लेकर आती हैं, सैंड लाइक दैट, जो वहीं रुक जाता है उसके किनारे, बट कुछ चीजें वो उस किनारे से लेकर बह भी जाती हैं, तो उसे इरोजन बोलेंगे. और जो वहीं रुक जाती है, दैट इज द डिपोजिशन. तो उन इस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से हमारे समुद्र के किनारों पर कुछ चीजें बन जाती हैं या फिर हमारे सी में भी बन जाती हैं. तो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. जो हमारी समुद्र की लहरें होती हैं, वो जो चट्टाने हमारे समुद्र में होती हैं, सी रॉक्स होती हैं, उसमें कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं, कंटिन्यूसली उस पर जाकर लगती हैं, जाती हैं, वापस आती हैं. तो ओवर द टाइम, जैसे जैसे ये टाइम चलता रहता है, देन दस हॉलो लाइक वेव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. तो उस पानी की वजह से, उन वेव्स की वजह से उस रॉक्स में कुछ क्या हो जाते हैं? होल्स हो जाते हैं. होल्स मतलब कि कुछ बड़े बड़े से होल्स, कुछ बिग होल्स आर मेड इन द रॉक्स बिकॉज ऑफ द सी वेव्स. उन सी वेव्स की स्ट्राइक की वजह से दे आर कॉल्ड द सी केव्स, जिन्हें हम सी केव्स बोल सकते हैं. ओके, क्योंकि वो चट्टानें बहुत बड़ी होती हैं और जब उसमें एक होल बन जाता है बड़ा सा, तो वो सी केव्स बन जाती हैं. एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस. अब जब जैसे जैसे वो हमारा जो होल है बड़ा होता जाता है बिकॉज ऑफ द सी वेव्स, क्योंकि चट्टान कटती जाती है, तो केवल रूफ बचती है वहाँ पर, बहुत पतली सी रूफ उस चट्टान की, उस रॉक की, जिसे हम बोलते हैं सी आर्चेस. वो सी आर्चेस होते हैं. तो ये दो तरह की चीज़ें हमारी समुद्र में बन जाती हैं बिकॉज ऑफ द सी के सी वेव्स, सी वेव्स की वजह से. अब आगे क्या होता है? सम इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट. कभी कभी क्या होता है कि जो केव्स होते हैं, जो आर्चेज होते हैं, वो जो रूफ होती है, सम टाइम इट इज वेदर्ड, इट इज ब्रेकिंग डाउन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द इरोजन, बिकॉज ऑफ द सी वेव्स, उनकी वजह से टूट जाती है. तो साइड की दीवारें रह जाती हैं, ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट. तो उन वॉल को हम क्या कहते हैं? उस फीचर को हम बोलते हैं स्टैक्स. तो थ्री तरह के वर्क हो गए हमारे सी वेव्स के. द फर्स्ट इज द सी केव्स, सेकेंड इज द सी आर्चेज, एंड थर्ड इज द स्टैक्स. And then the steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called the sea cliff. अब इस तरह से एक rocky coast बन जाता है, एक rocky area बन जाता है वहाँ पर उस समुद्र में, इन सब arches की वजह से, stacks की वजह से, जिन्हें बोला जाता है sea cliff. Sea cliff मतलब कि चट्टाने, समुद्र के बीच में जो चट्टाने हैं, it means कि these are the sea cliffs. और ये कोई छोटी मोटी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. अब जो sea waves होती हैं, वो कुछ हमारे sediments यानी कुछ sands वगैरह भी छोड़ देती हैं. कहाँ? हमारे shores पर, समुद्र के किनारों पर. These are known as the sea beaches, जिसे हम beaches बोलते हैं. ठीक है, तो ये these are the work of the sea waves. फिर next है आपका work of ice. ये हमारे सारे land forms हैं. अब ice का क्या काम है? जो हमारे glaciers होते हैं, बर्फ के mountains, the mountains ऑफ द स्नो होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वट इज द वर्क ऑफ दिस? उनका क्या काम है? देन ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द बिल्ड डोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो. अब ग्लेशियर्स मीन्स दैट रिवर्स ऑफ आइस, इट मीन्स बर्फ की नदियाँ,
वो जमी रहती हैं हमेशा, वो कभी पिघलती नहीं है, ठीक है। तो ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर, तो कभी कभी जब ग्लेशियर्स पिघल कर बहते हैं लाइक अ रिवर, तो वहाँ पर कुछ हॉलोज हो जाते हैं, कुछ माउंटेन्स लेफ्ट रह जाते हैं, तो कहीं पर बर्फ है, तो इस तरह से समथिंग इज डिफर इज आर देयर। तो एज द आइस मेल्ट, जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, दे गेट फिल्ड अप, जो वो होल्स होते हैं, हॉलो होते हैं, जो वो इस जगह होती है, प्लेस जहाँ बर्फ नहीं है, तो व्हेन द आइस मेल्ट दैट इज ऑल्सो द फुल ऑफ द स्नो, वो भी फुल हो जाते हैं विद वाटर एंड द स्नो, देन they get filled up with water and become beautiful lakes. तो वो जो holes होते हैं, hollow होते हैं, वो when they fill with water, when the ice melts, that it looks like a beautiful lakes. वो lakes बन जाते हैं। तो ice का क्या काम हुआ? Ice का काम हुआ lakes बनाना। Ice की मदद से जब glacier से बर्फ पिघल कर नीचे आती है और एक जगह रुक जाता है वो पानी, तो वो lakes का रूप ले लेते हैं। तो these are very beautiful thing made by the nature and this material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand, silt deposited, ये सब चीज़ें हमारी उन रिवर्स के साथ, उस पानी के साथ बहकर आती हैं, like the rocks, big and small rocks, sand, silt, these all come on the earth. These deposit form glacial moraines, जिसे हम glacier moraines बोलते हैं, okay? तो this is the work of the ice. Now next, last is the work of the wind. वर्क ऑफ द विंड क्या है? अब हवा के भी बहुत सारे काम होते हैं, दैट द वर्क ऑफ द विंड मोस्टली वी कैन सी इन द डेजर्ट रीजन, कि जब डेजर्टिक एरिया में बहुत तेज़ हवा चलती है तो रेत एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाता है और जिस जगह वो इकट्ठा हो जाता है दैट इज़ नोन एज द सैंड ड्यून्स, और सैंड ड्यून्स ओनली वी कैन सी इन द डेजर्ट एरिया, तो दैट एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। तो यहाँ भी हमारा इरोजन, इट मीन्स कि द सैंड flew away with the help of the wind, और एक जगह जब deposit हो जाता है तो that is the deposition, तो that is also made by the wind. In desert you can see the rocks in the shape of a mushroom. Desert में हमारी बहुत सारी ऐसी भी जगह हो जाती है, ऐसी शेप आ जाती है विच इज़ मेड बाय द डिपोजिशन एंड द इरोजन, दिस इज लुक लाइक अ मशरूम, वो मशरूम के जैसे दिखते हैं, कॉमनली नोन एज द मशरूम रॉक, जिसे हम वहाँ पर मशरूम रॉक बोलते हैं, बट इट इज़ मेड फ्रॉम द सैंड, वो सैंड की बनी होती हैं, रेत की बनी होती हैं, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, therefore such rocks have narrower base and wider top. अब कभी कभी हवा क्या करती है, इरोड उस मशरूम रॉक का लोअर सेक्शन, जो नीचे की साइड है, वहाँ से रेत उठा कर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है, बदले में उसके अपर साइड से, अपर साइड की बजाय नीचे की साइड से रेत उड़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है, when the wind blows it lift and transport sand from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह वो सैंड ट्रांसफ़र होता रहता है, तो that it means look like a blow sand and falls and get deposit, तो this is known as the sand dunes, वो एक छोटे छोटे पहाड़ियों के जैसे दिख जाते हैं फिर जहाँ पर वो रेत इकट्ठा हो जाता है, तो that is known as the sand dunes, वो हमारे sand dunes के जैसे होते हैं, तो this is the work of the wind in the desert area. तो now what are the landforms like our rivers, like mountains, sea waves, work of the ice, work of the wind, desertic area, ये सब हमारे क्या हैं, coastal areas, these all are our landforms. Okay, तो in this lesson what you have studied, इस lesson में आपने क्या पढ़ा, the first you have studied about that the lithospheric plates, then you study that two types of forces जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे changes होते हैं, exogenic and endogenic forces. Okay, endogenic forces it means कि that which is interior in the earth, exogenic which is outer or surface of the earth, और उन सब की वजह से जैसे volcanoes हो गया, earthquake हो गया, these all are coming, और because of this changes of the earth is occur, it means ki that because of the volcano, because of the earthquake, hamari earth mein changes hote hain, kahin par jaise land tha to wahan mountains ban jate hain, rivers ban jate hain, kahin par rivers thi to wahan land aa jata hai, to this is because of the earthquake, kyun, kyunki in sab se bahut zyada destructions hote hain, फिर विंड हो गया, फ्लड हो गया, ये सब चीज़ें भी उसमें जोड़ी जाती हैं. फिर मेजर लैंडफॉर्म्स हमने पढ़ा, द वर्क ऑफ द रिवर पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में, वर्क ऑफ द सी वेव्स, वर्क ऑफ द आइस, वर्क ऑफ द विंड, तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडी इन दिस लेसन. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. तो हेयर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन दैट यू विल गिव मी द आंसर, एंड योर आंसर आई विल आस्क सम क्वेश्चन इन द गूगल
Google Classroom also that the answer you will give in Google Classroom. आपको वो answer Google Classroom में देने हैं. तो my first question is that कि what is the sea caves. Sea caves क्या हैं and how it is formed. वो कैसे बनते हैं. Second question is that what is glaciers. Glaciers क्या हैं. Okay. The third question is what is sand dunes. Sand dunes क्या होते हैं. तो these three questions you will give the answer in the Google Classroom. Okay. तो that's all for today and take care.